नमस्ते साथियों, नाम सतीश छिंपा है और मैं सूरतगढ़ श्रीगंगानगर जिले का रहने वाला हूँ। और देवेंद्र भाई जिन्होंने मुझे यहाँ इस मंच पर आप सभी के सामने आप सभी के साथ चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए और कुछ कविताओं के लिए मौका दिया है, तो जनसंचार मंच टोंक का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े भाई साहब का भी शुक्रिया और आप उनका भी बहुत शुक्रिया। और आज बातचीत करनी है मेरी नई किताब, नई तो नहीं कह पाएंगे, 2019 में छपी थी, साल भर हुआ है, आधी रात की प्रार्थना, कविता संग्रह जो बहुत, उस पर बातचीत आज करनी है और कुछ कविताओं पर भी बात हम करेंगे। साथियों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम एक बहुत खतरनाक समय में जी रहे हैं, एक ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं जहां हर एक चीज प्रदूषित है, खास करके विचार प्रदूषित है। और इसी अमानवीय ताकत जिसने अनेक अपने जैसी ताकतें इकट्ठा इकट्ठा कर ली है, अपने जैसे अनेक रूप इसने बना लिए हैं, इन सब से, इन सब जूझना बहुत जरूरी है। और जब अक्सर बातचीत करते हैं तो जिंदा लेखक, जिंदा कवि, जिंदा सोचने वाला, जिंदा विचार, उसमें ही है कि आप गलत और सही में फर्क कर सकें और ऐसे साहित्य का रचाव कर सकें, साहित्य आम आदमी का हो, आम आदमी की बात करें। शुक्रिया। और जिंदा साहित्य क्या होगा? वही होगा जो आम आदमी के, ऐसे वर्ग की, ऐसे शख्स की बात करेगा जो दसों नूहों की, दसों उंगलियों की किरित करके, मेहनत करके कमा के खाता है, उसके बाद में भी उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती, उसका साहित्य। अगर आदमी व्यक्तिगत हितों की बात करे, अपने व्यक्तिगत चीजों की बात करे, तो भी वो बुरा नहीं है, वो भी जिंदा ही साहित्य है उसका, उसके सरोकार लौकिक होने चाहिए। लेकिन ये जो प्रदूषण आया है अभी, जिसके हम साथ में इसके बात भी करनी है हमें कविताओं के साथ साथ, ये प्रदूषण कैसे आया, जिसकी अक्सर हम बात करते हैं और बहुत से लोग कहते हैं कि रिपीटाइजेशन क्यों चलता है, तो जो कारण है वो स्थाई है तो रिपीटाइजेशन तो चलेगा। आप देखते हैं कि इस दौर में सोशल मीडिया ने जो हमें एक मंच दिया है, बहुत बड़ा मंच है, लेकिन इस दौर के अंदर सकारात्मक चीज़ों के साथ नकारात्मकताएं भी बढ़ी है और बहुत बुरी तरीके से बढ़ी है। और ये जो प्रदूषण की शुरुआत हुई थी 70 के दशक में, जो 1970 के बाद चीज़ें आई, जो आज घनघोर तरीके से फैली और बहुत बड़ी है, वो ही चीज़ें हैं जो कला, साहित्य, सांस्कृतिक और विचारों को, जो 1970 में जब भारत में एक महान विद्रोह खड़ा हुआ था, 1967 के अंदर पश्चिम बंगाल से, उससे पहले हमने पेप्सू के मुजारा लहर देखी तेजा सिंह स्वतंत्र के नेतृत्व में, और उसके बाद फिर हमने देखा तेलंगाना का एक ऐसा महान उभार और तेभागा का भी एक महान उभार। तेलंगाना इसलिए नाम लेते बार बार, क्योंकि वो पहला वैचारिक रूप से ठोस आंदोलन था जो हैदराबाद रियासत के विरुद्ध शुरू किया, लेकिन नवजात भारतीय पूंजीवाद शुक्र भी उन्हें आगे जूझना पड़ा और तमाम, चलो ठीक है, वो इतिहास हम बहुत गहरे में नहीं जाएंगे। तो उसके बाद में वो जो टूटे हुए सपने थे, जो नेतृत्व की गलतियों की वजह से, जो संशोधनवाद या जो भी है, ये राजनीतिक चर्चा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा हल्का हल्का ही बताऊंगा, हल्की हल्की ही चर्चा करेंगे कि आगे आता है 1967 में नक्सलबाड़ी का किसान उभार, 3 महीने में जिसे दबा दिया जाता है। ये बहुत से लोगों के लिए आश्चर्य की बात होगी कि स्थितियु क्यों कह रहा है कि 3 महीने में नक्सलबाड़ी का किसान उभार दबा दिया गया, दमन कर दिया गया उसको। लेकिन उसके जस्ट बाद एक किसान, एक छात्र मूवमेंट उठता है बड़ी का ही, पश्चिम बंगाल से उत्तरी आंध्र प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश से फिर पंजाब की तरफ बढ़ता है, और वही आज के साहित्य का बीज था, और वही आज के साहित्य, उसी की वजह से आज के साहित्य, आज की कलाओं, संस्कृतियों को, तमाम हिस्सों को प्रदूषित करने वाले जो तत्व जो उग आए हैं महान बड़े दरख्तों की तरह, उसका बीज भी तभी से पड़ा। रोबीज क्यों पड़ा? क्योंकि 70 का दशक पूरी तीसरी दुनिया में उथल पुथल का दशक था, कविताएं सारी सारी अपना स्वर बदल गई थी। आप देखते कि अचानक से जो लोग मार्क्सवादी नहीं थे, लेकिन उनकी कविताओं का स्वर कैसे बदलता है। जब हम अक्सर बातचीत करते हैं, मैं एक चीज का बार बार जिक्र करता हूं इसका, कि राजस्थान की राजस्थानी भाषा की मार्क्सवादी कविता के साथ अन्य वो यही है उसका, और वो इसलिए गिरता है क्योंकि आप देखिए एक गीत मैं आपको रेवंदान का सुनाऊंगा, छोटा सा ही,
गीत की दो पंक्तियां कविता है। रोजगार मिले कोनी होए लखपतियां रा राज जठे भूखारा पेट पड़े कोनी तू भिड़ जा बण दे महल झोंपड़ा झगड़े रा जोग टड़ाए कोनी। मतलब कि तुम वो हिंदी में बताता हूँ कि तुम ये बहुत महंगे मोती मत भा, रोने से रोजगार नहीं मिलता। जहाँ करोड़पति धनपतियों का राज होता है वहाँ भूखों का पेट नहीं पलता, और इन महलों झोंपड़ों को भिड़ जाने दे, ये झगड़े का जोग टलेगा नहीं। ये वर्ग संघर्ष की कविता है। रेवंदान जी समाजवादी सोच के थे, लेकिन ये कविता क्यों लिखी उन्होंने? क्यों? समाजवादी सोच एक मध्यम मार्ग है समाजवादी होना। जनवादी शब्द भी इसी इन्हीं के लिए अपने बरत सकते हैं जो मध्यम मार्गी होते हैं। जनवादी होने का मतलब डेमोक्रेटिक होना, मार्क्सवादी होना नहीं होता है। इन मध्यम मार्गी लोगों की इसमें हरीश बाधानी भी शामिल है, इसमें रेवंदान चारण भी शामिल है, इसमें तेज सिंह जोधा पार्स अरोड़ा भी शामिल है। इन लोगों की कविताओं के स्वर क्यों बदले? क्योंकि वो दावानल जो उठाता है, एक महान दावानल सच में, उस दावानल में उन्होंने उन मर्जीवड़ों की लाशें देखी, उन मर्जीवड़ों का सड़कों पर बहता हुआ लहू देखा, तो ये स्वर चेंज हो बदला। क्योंकि और वहां प्रदूषित होती है आज की कविता। क्यों? क्योंकि पूंजीवादी धड़ा जो CIA के नेतृत्व में पूरे देश में सबसे बड़ा एक जो सत्ता पलट तख्ता पलटों का एक जो दौर चलाया था उसने 40, 50, 60 और 70 के दशक में, 4 दशकों में उस CIA के नेतृत्व में चला था। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के विद्रोहों और अफ्रीका के नाबीबिया, तंजानिया, सोमालिया, मोरक्को, सुडान, चाड, कांगो जायरे, कांगो गणतंत्र, घाना, अंगोला, इन तमाम जगहों पर, और लातिन अमेरिका में जिस जब पिनोशे ने तख्ता पलट किया था चिली में ओलेंदे का, उन सभी को संभालने के लिए एक आदमी, एक ही संस्था पर्याप्त नहीं थी। इसलिए बीज बोए गए विचारों के। जब भारत में कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम एक मूवमेंट उठा था साहित्यिक कला और संस्कृतियों के क्षेत्रों में अज्ञेय जी के नेतृत्व में, राजस्थान में बीकानेर एक बहुत बड़ा गढ़ था उसका, तो वो कविताएं प्रदूषित होनी वहां से शुरू हुई। क्यों हुई? क्योंकि सवाल हमारे बदल गए। हमें पूछना क्या क्या होता था, हमारे दिमागों पर कब्जा किया गया। जैसे कि अब आज मैं यहाँ कविता पाठ कर रहा हूँ, मान लीजिए कविताओं पर बात कर रहा हूँ, और मेरी कविताओं में जिक्र आ गया लैंगस्टन ह्यूज का, जिक्र आ गया नाजिम हिकमत का, लोरका का, नेहरू का, उनको सुनकर आपके मन में क्या प्रश्न होगा? वो प्रश्न प्रदूषित किया गया है, उस प्रश्न का बीज प्रदूषित कर दिया गया है। क्योंकि आपके मन में प्रश्न तो आना ये चाहिए था कि ये अन्याय के विरुद्ध इन लोगों ने, लोरका तक ने, क्यों लिखा इतना, या ऐसा क्या अन्याय, प्रश्न कट गया और यहां लिखा आ गया विदेशी लेखक, एक शब्द आ गया विदेशी लेखकों का जिक्र, उद्धरण क्यों? और विदेशी लेखकों के बजाय जब हम हरीश भदानी, मनोज देपावत या रेवंदान चारण की कविताओं की बात करते हुए, गीतों की बात करते हुए, रेत को और उस तमाम उस बिंबों की बात करते हुए उनको स्थापित करते हैं, वो स्थापित तो है ही लोक में, लोक की ताकत है वे भी विश्व कविताओं में, विश्व साहित्य में अपना स्थान रखते हैं, तो हम वहाँ रेतकार जिस चीज़ों का जिक्र करते हैं हम बहुत ही ओछे तरीके से वो जिक्र करने लग गए हैं। हमारे लिए रेत ये रेत बन गई, जो सूरतगढ़ से शुरू होकर आगे बीकानेर होते हुए नागौर, जोधपुर की तरफ, बाड़मेर, जैसलमेर की तरफ जाती है। नहीं, हरीश बधानी के गीतों की रेत ये नहीं है, ना चारण के गीतों की रेत ये है, और ना ही मनोज देपावत के गीतों की ये रेत है। रेत है विश्व इतिहास के वे महान, उस रेत का बिंब इतना ओछा नहीं है, लेकिन ओछा करने का, बना देने के पीछे का जो सबसे बड़ा एक तंत्र है वो 70 के दशक से शुरू होता है CIA के नेतृत्व में, कांग्रेस फॉर कल्चर फ्रीडम। और ये जो कविता संग्रह मेरी इस पर, और ये इस कविता संग्रह पर जिस पर आज बात कर रहे हैं हम, ये अभी कुछ समय पहले ही छप कर आया है बोधि प्रकाशन से, माइमेघ भाई साहब ने छापा है अपना। इसमें भी कहीं न कहीं, या इसके कहीं कुछ अगर लिख भी रहा हूं तो ऐसा हुआ मानता हूं, जब हम एक ही तराजू में दो विपरीत ध्रुवों को सकारात्मकता से तोड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं, वहां होता है बौद्धिक कपट। कि आप जनवाद या जो भी आपके विचार उनकी बात करते हुए आप मानव द्रोही बन जाएं, वो है कपट। तो इसमें भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, कहानियों में देख सकते हैं, किस्सों में देख सकते हैं, लेकिन अब सुधार की ये प्रक्रिया जो आत्म आलोचना निर्मम आत्मा सामूहिक रूप से करनी पड़ती है,
मैं भी हूँ, आप भी है, सभी शामिल है। और ये कब होगी शुरू ये किसी को नहीं पता, जैसे मुक्ति का नहीं पता कि कब आएगा। खैर, तुम्हें धरती नहीं होना, या मैं नहीं लिखूंगा कि तुम धरती हो या मैं उड़ता हुआ बादल। ये प्रतीक कितने बासी है ना, जैसे प्रेम को जीवन बता देना या जीवन को तुम्हारा नाम दे देना। नहीं, मैं तुम्हारे लिए किसी चले आ रहे शब्द को नहीं लूंगा। तुम्हें धरती नहीं होना है, या मैं नहीं लिखूंगा कि तुम धरती हो या मैं उड़ता हुआ बादल। ये प्रतीक कितने बासी है ना, जैसे प्रेम को जीवन बता देना या जीवन को तुम्हारा नाम दे देना। नहीं, मैं तुम्हारे लिए किसी चले आ रहे शब्द को नहीं लूंगा। जब भी हम मिलेंगे मैं तुम्हारी कमर के सितार को सहलाकर कंधों की झंझनाहट को उल्लास का नाम दूंगा। जब भी हम मिलेंगे मैं तुम्हारी कमर के सितार को सहला, मैं तुम्हारे या प्यार के लिए किसी पुराने घिसट चुके बिंब का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं लिखूंगा जब तुम नहीं होती, या रात का यह लंबा सफर मुझे अकेले को काटना होता है, तब तुम्हारी बगलों की बर्फ। नहीं दोस्त, मैं तुम्हारे या प्यार के लिए किसी पुराने घिस पिट चुके बिंब का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं लिखूंगा जब तुम नहीं होती, या रात का यह लंबा सफर मुझे अकेले को काटना होता है, तुम्हारे बगलों की बर्फ मुझे बहुत याद आती है। या रात के अंतिम पहर में जब शहर आधा जगा हुआ होता है, या रात के इस अंतिम पहर में शहर जब आधा जगा हुआ होता है, मुझे तुम्हारी पगथलियों या जब शहर आधा जगा हुआ होता है मुझे तुम्हारी पगथलियों में उमड़ आए समूचे देह के भंवर को चूम लेना। तुम्हें दरख्तों की टहनियां सहलाती हो तुम जब दरख्तों की टहनियां सहलाती हो, तुम्हारी अधखुली मुट्ठियां मुझे खुम्बियों की तरह लगती है। तुम्हारी अधखुली मुट्ठियां मुझे खुम्बियों की तरह लगती है, जिनकी बुनगठ इतनी कोमल होती है जैसे अंगुली छुआई और एक परत झड़ गई। जिनकी बुनगठ इतनी कोमल होती है कि उंगली छुआई और एक परत झड़ गई। सच में तुम इस मौजूदा दुनिया का पहला और अंतिम अनछुआ शब्द हो जिसे मैं अपनी जबान से गा लेना चाहता हूँ। अगली कविता है मैं नहीं लिख सकता कभी भी। मैं नहीं लिख सकता कभी भी कुछ भी तिलिस्मी सा या रहस्यमयी या ऐसा कुछ अलग घट रहा हो या चीजों के भीतर की चीजें या परतें मैं नहीं लिख सकता हूं। शुक्रिया सर। भूख लगने पर जैसे जाया जाता है चूल्हे के पास, या अकेले होने पर उदासी की उंगली पकड़ी जाती है, मैं ऐसा सपाट और सीधा लिख सकता हूं। दृष्टि से अज्ञानी काव्यशास्त्र की दृष्टि से अज्ञानी मैं भूखा होने पर रोटी लिख देता हूं, या मुझे उस सांवली सी लड़की से प्यार है जो बालों का बहुत सुंदर फूल बनाती है अपने सर पर। मैं नहीं लिख सकता कभी भी कुछ तिलिस्मी सा या रहस्यमयी या कुछ ऐसा घुमावदार जिसके हर मोड़ पर कुछ अलग घट रहा हो, या चीजों के भीतर की चीजें या परतें मैं नहीं लिख सकता। भूख लगने पर जैसे जाया जाता है चूल्हे के पास, या अकेले होने पर उदासी की उंगली सपाट सीधा लिख सकता हूँ। काव्यशास्त्र की दृष्टि से अज्ञानी मैं भूखा होने पर रोटी लिख देता हूँ, या मुझे उस सांवली सी लड़की का बहुत सुंदर फूल बनाती है अपने सर पर, या एक जोड़ी आंखों में मैं डूब जाना चाहता हूँ, या जब कान की लवे गर्म होकर लाल हो जाती है भावनाओं के भूकंप उठते हैं, या जब कान की लवे गर्म होकर लाल हो जाती है, या देह के भीतर कहीं भावनाओं के भूकंप उठते हैं, तब मुझे एक जोड़ी कोमल गदराई बाहों की जरूरत होती है। दिल धड़क धड़क कर आंखों तक पहुंच जाता है, तो उस सांवली सी लड़की से थोड़ी तक अपनी अंगुली से एक सीधी रेखा बना देना चाहता हूं। दिल जब धड़क धड़क कर आंखों की पुतलियों तक पहुंच जाता है, तो उस सांवली सी लड़की के माथे से थोड़ी तक अपनी अंगुली से एक सीधी रेखा बना देना चाहता हूं। ये कुछ ऐसी साधारण सी चीजें हैं जिन्हें मैं साधारण शब्दों में ढाल कर साधारण तरीके से लिख देता
ये कुछ ऐसी साधारण सी चीजें हैं जिन्हें मैं साधारण शब्दों में ढालकर साधारण तरीके से लिख देता हूं, जैसे भूखा होना या प्यार में होना कोई विशेष बात तो नहीं है। जैसे भूखा होना या प्यार में होना कोई विशेष बात तो नहीं है, विशेष बात है प्यार पर कायम रहते हुए प्यार की परिभाषा पुख्ता कर देना और भर देना जीवन की ऊष्मा से, मगर मुझ में या मेरे शब्दों में कुछ भी विशेष नहीं है। मगर मुझ में या मेरे शब्दों में कुछ नहीं है। जो शर्ट मैं पहनता हूँ उसकी बाजू अपने निर्धारित आकार से बहुत छोटी है। जो शर्ट मैं पहनता हूँ उसकी बाजू अपने निर्धारित आकार से बहुत छोटी है, या मेरी पैंट टखनों को ढक नहीं पाती, या जब मैं दाढ़ी करता हूँ मेरे गाल छिल जाते हैं, दो मुलायम होठ जब कट के निशान को सहलाते हैं, तब मैं लिख देता हूँ इसी तरह की एक सीधी सपाट सी यूं ही सी कोई कविता। ऐसी कविता मुझ में या मेरे शब्दों में कुछ भी विशेष नहीं है। जो शर्ट मैं पहनता हूँ उसकी बाजू अपने निर्धारित आकार से छोटी है, या मेरी पैंट टखनों को ढक नहीं पाती। जो शर्ट मैं पहनता हूँ उसकी बाजू अपने निर्धारित आकार से छोटी है, जो पैंट मेरी टखनों को ढक नहीं पाती, या जब मैं दाढ़ी करता हूँ मेरे गाल छिल जाते हैं, दो मुलायम होठ जब कट के निशान को सहलाते हैं, तब मैं लिख देता हूँ सीधी सपाट सी कोई कविता। ऐसी कविता जो शायद किसी को प्रभावित करने का कोई उपकरण अपने पास नहीं रखती, या जिसके भीतर वो सब कुछ नहीं होता है जो उसे विशेष बनाकर मानक रूप में स्थापित कर दे, उसे विशेष बनाकर मानव में स्थापित कर दे। मुझे लिखना होता है और मैं लिख देता हूँ आकाश नीला है। मुझे लिखना होता है और मैं लिख देता हूँ आकाश नीला है, हवाएं शांत हैं जिसके भीतर अकेलापन भरा हुआ है। आओ प्यार करें और लिख दे अगली पीढ़ी के लिए कुछ सीधी सपाट सी कविताएं। आओ प्यार करें और लिख दे अगली पीढ़ी के लिए कुछ सीधी सपाट सी कविताएं। प्यार करना कितना बाकी है अभी, कभी बिना मतलब हंस देना, कभी बिना मतलब हंस देना, या किसी बिना खास कारण बेतरह खुश हो जाना। कभी बिना मतलब हंस देना, या किसी बिना कारण बेतरह खुश हो जाना, या कभी उदासी में गहरे डूब जाना, या प्यार के जादुई जहाज पर सवार होकर अनंत ऊंचाइयों पर चले जाना। भूखा होना या पेट भर के खा लेना, अथाई करते हुए मखोल करना और अभी के अभी ही मर जाना। जीवन कितना कम है। कभी बिना मतलब हंस देना, या बिना किसी खास कारण बेतरह खुश हो जाना, या कभी गहरे डूब जाना, या प्यार के जादुई जहाज पर सवार होकर अनंत ऊंचाइयों पर चले जाना। भूखा होना या पेट भर के खा लेना, अभी अभी हथाई करते हुए मखोल करना और अभी अभी ही मर जाना। जीवन कितना कम है, कितना कम है और प्यार करना कितना बाकी है। कितना कम है और प्यार करना कितना बाकी है अभी। क्या भरोसा कब खत्म हो जाए सांस या नब्ज का थम जाना। क्या भरोसा कब खत्म हो जाए सांस या नब्ज का थम जाना। जैसे काम से घर लौटना, खाने बैठना और प्यार करते हुए सो जाना और लेटे का लेटा ही रह जाना। जैसे काम से घर लौटना, खाने बैठना और प्यार करते हुए सो जाना और सोते के सपने के साथ कि अगली रात फिर से करेंगे प्यार। खाने बैठना और प्यार करते हुए सो जाना और लेटे का लेटा ही रह जाना, इस सपने के साथ कि अगली रात फिर से करेंगे प्यार और बस सब खत्म। और बस सब खत्म। सब कुछ का खत्म हो जाना बहुत खतरनाक है। सब कुछ का खत्म हो जाना बहुत खतरनाक है। उदासी 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 पीड़ाओं और शून्यता से भरा हुआ खतरनाक शब्द खत्म हो जाना। शब्द खत्म हो जाना मर जाने से पहले। मर जाने से पहले हमें कर लेना होगा जी भर के प्यार। मर जाने से पहले हमें करना होगा जी भर के प्यार, ताकि मरते हुए हम कह सकें, ताकि मरते हुए हम कह सकें, हाँ हमने किया था प्यार, हाँ हमने किया था प्यार, हाँ हम थे प्रेम में, हम थे प्रेम में। धन्यवाद साथियों। अगली कविता है, यह आम नहीं है। जीवन के पन्नों पर जब
जीवन के पन्नों पर जब हम मुक्ति का महाकाव्य लिखने जा रहे थे, हमारी कलमें छीनी जा चुकी थी। जो हम अभी सांस्कृतिक प्रदूषण की जो बात कर रहा था मैं, जीवन के पन्नों पर जब हम मुक्ति का महाकाव्य लिखने जा रहे थे, हमारी कलमें छीनी जा चुकी थी और बेरहम वक्त हंस रहा था। पंख नुचे पाखियों पर ये आम नहीं है कि एक आम आदमी की रीढ़ पर बेइज्जती का बाट रख कर न्याय की जीवन के पन्नों पर जब हम मुक्ति का महाकाव्य लिखने जा रहे थे, हमारी कलमें छीनी जा चुकी थी और बेरहम वक्त हंस रहा था। पंख नुचे पाखियों पर ये आम नहीं है कि एक आम आदमी की रीढ़ पर बेइज्जती का बाट रख कर न्याय की तराजू को झुका दिया जाए सम्मान जिनकी नियति में होता है, वे कत्ल के बाद छाई शांति में जीत का जश्न मनाते हैं। सम्मान जिनके नियति में होता है, वे कत्ल के बाद छाई शांति में जीत का जश्न मनाते हैं। कत्ल अक्सर होते हैं, जैसे मुस्कुराते हुए पिता की आंख की चमक का कत्ल, जैसे मुस्कुराते पिता की आंख की चमक का कत्ल, या दिहाड़ी से घर लौटे थके हुए आदमी की उम्मीदों का कत्ल, या नौकरी के का फार्म भरते हाथों के सत का कतम, या आदमी का कत्ल या आदमियत का कत्ल, सुकून न्याय समानता और सुंदरता का कत्ल। उनके पन्नों पर जब हम मुक्ति का महाकाव्य लिखने जा रहे थे, हमारे हाथों से कलमें छिनी जा चुकी थी और बेरहम वक्त हंस रहा था। पंख नुचे पाखियों पर सम्मान जिनकी नीति में होता है, वे कत्ल के बाद छाई शांति में जीत का जश्न मनाते हैं। कत्ल अक्सर होते हैं, जैसे मुस्कुराते हुए पिता की आंखों की चमक का कत्ल, या दिहाड़ी से घर लौटे थके हुए आदमी की उम्मीदों का कत्ल, या नौकरी का फॉर्म भरते हुए हाथों के सत का कत्ल, या आदमी का कत्ल, आदमियत का कत्ल, सुकून न्याय समानता और सुंदरता का कत्ल। कत्ल अक्सर होते हैं। कत्ल हो जाना बड़ी बात नहीं है, कत्ल हो जाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कातिलों के हाथों को पकड़कर, बड़ी बात है कातिलों के हाथों को पकड़कर दलाल हुए इस बिचौलिए समय की गिच्ची को मरोड़ देना, और सदियों के कर्ज अपमान हार और हताशा का हिसाब चुकता कर देना। ये काम हमें ही करना होगा। बाजार के गोड़ों तले से निकल दबा देना होगा इस बाजारू अभिमान को, जिसकी कैद में ये काम हमें ही करना होगा। बाजार के घुटनों से निकल कर दबा देना होगा बाजारू अभिमान को, जिसकी कैद में फड़फड़ा रहे हैं जवान होते सुकून के पल। धन्यवाद साथी। 2014 में लिखी हुई थी एक कविता, एक सीरीज लिखता था तब मैं, एक सुन सिकली कर, जिसका कविता संग्रह तो छप गया वो, लेकिन मेरे तक आज तक नहीं पहुंचा है। तो 2014 की है ये, और अगली कविता है इसी संग्रह की, हम चाहते हैं इस धरती को और भी खूबसूरत बनाना, हम चाहते हैं इस धरती को और भी खूबसूरत बनाना, जीवन को खूबसूरती से भर देना और खूबसूरती की करके हम प्यार में डूब प्यार को प्यार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस धरती को और भी खूबसूरत बनाना, जीवन को खूबसूरती से भर देना और जी लेना हर एक पल को खूबसूरती की हद से भी ज्यादा खूबसूरत करके हम प्यार में करना चाहते हैं। हम सृजक है समय के, जीवन की सांसों में भर देना चाहते हैं प्यार। न्याय युद्ध में असत्य को पराजित कर जीवन के महाकाव्य में घोल देना चाहते हैं मुक्ति के अलंकार। हम सृजक हैं समय के, जीवन की सांसों में भर देना चाहते हैं प्यार। न्याय युद्ध में असत्य को पराजित करके जीवन के महाकाव्य में घोल देना चाहते हैं मुक्ति के अलंकार। उठो उठो आओ तुम भी, उठो आओ तुम भी, देखो अंधेरे की तासीर में बसा उजाला कैद को तोड़ने के लिए बढ़ रहा है। देखो अंधेरे की तासीर में बसा उजाला कैद को तोड़ने के लिए बढ़ रहा है। तुम भी बढ़ो, पूंजी के बुर्ज पर चढ़कर फूंक डालो मौजूदा स्वार्थ के संबंधों को, और वक्त की धमनियों में घोल दो नए विश्व के रंगों को, फूंक डालो और वक्त की धमनियों में नए विश्व के रंगों को घोल दो। देखो प्यार से भरा जीवन कितना मुक्त, कितना खूबसूरत लगता है। धन्यवाद साथियों।
अंतिम कविता सुनाकर मैं विदा लेता हूं। देश भूखा है, भटकता है सड़कों पर। काम का होना बहुत बड़ी बात है। कविता का शीर्षक देश भूखा है, भटकता है सड़कों पर। काम का होना बहुत बड़ी बात है। काम का न होना भी छोटी बात नहीं है। जैसे मूंगफली खरीदने के लिए जेब में 10 रुपए न होना, या शाम को किसी मेहमान का आना और एन वक्त पर पता चलना आटा नहीं है। काम का होना बहुत बड़ी बात है। काम का नहीं होना भी नहीं है छोटी बात। जैसे मूंगफली खरीदने के लिए जेब में 10 रुपए न होना, या शाम को किसी महीने घर में आटा नहीं है, बड़ी बात है घर में दूध का न होना या चाय पत्ती का खत्म। बड़ी बात है घर में दूध का न होना या चाय पत्ती का खत्म हो जाना, उस समय जब हाथ में काम न हो या जेब हो लीरम लीर। उस समय जब हाथ में काम न हो और जेब हो लीरम लीर। फाके के दौर में आपका समूचा वैश्विक चिंतन, फाके के दौर में आपका समूचा वैश्विक चिंतन बौद्धिक कचरा हो जाता है, जैसे चेतना शून्य मनुष्य या गूंगा देश। फाके के दौर में आपका समूचा वैश्विक चिंतन बौद्धिक कचरा हो जाता है, जैसे चेतना शून्य मनुष्य या गूंगा देश। देश अक्सर चिथड़ों में लिपटा भटकता है। देश अक्सर चिथड़ों में लिपटा भटकता है। देश भूखा है, अधनंगा है देश के पास। देश भूखा है, अधनंगा है देश के पास। करने को काम नहीं है। किताबें नहीं होना देश की शर्मिंदगी का सबब है। शर्मिंदगी फिजूल नहीं है। किताबें न होना देश की शर्मिंदगी का सबब है, और शर्मिंदगी फिजूल नहीं है। ये प्रक्रिया है भूख से बेअदबी की। बेअदब होना इस सदी का एक मूक उपहार है। बेअदब होना इस सदी का एक मूक उपहार है, जैसे एक पूरी नस्ल का गूंगा होना षड्यंत्र है वाचाल राजा का। काम का न होना, जबान का न होना, भूख का होना बहुत बड़ा षड्यंत्र है आदमी के खिलाफ। काम का न होना, जबान का न होना और भूख का होना बहुत बड़ा षड्यंत्र है आदमी के खिलाफ। भूखा आदमी देश है, भूखा आदमी देश है, जैसे भूखा देश आदमी है सड़कों पर भटकता हुआ। आओ आदमी, भूखा आदमी देश है, जैसे भूखा देश आदमी है सड़कों पर भटकता हुआ। आओ आदमी का पेट भरें, कपड़े पहनाएं, काम दें, किताबें दें और दें महानता ताकि कह सकें, और दें महानता ताकि कह सकें, आदमी महान है तभी देश महान है, आदमी महान है तभी देश। धन्यवाद साथियों, ये कुछ कविताएं थी आधी रात की प्रार्थना से, जो मेरा नया कविता संग्रह था 2019 में जो छपा था उससे। कुछ एक कविताएं इसमें से पुरानी भी, इसमें पुरानी भी डाली थी उस समय, जो 9 से लेकर 2014 तक एक सीरीज चली थी सुन सिकली कर। टोटल 5 मई था उस समय में। हालांकि 5 मई तो हम सभी हैं, क्योंकि एक यूनिवर्सल उद्देश्य लेके हम चलते हैं साथ में, जो वैश्विक उद्देश्य है कि तमाम वे तमाम लोग जो 10 उंगलियों की कमाई करके खाते हैं, मेहनत करके खाते हैं, वे अपने सपने अधूरे ना देख पाए कभी। इसलिए और जनसंचार और जन सरोकार मंच टोंक और बड़े भाई साहब द्रोण देवेंद्र जी, तमाम टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, अपनी किताब पर बात करने का और कविता पाठ करने का। लेकिन साथ अंतिम बात की, जिस बौद्धिक और इस समकालीन हमारे सृजन की हम बात कर रहे हैं, कविता और कहानियां हो, बड़े उपन्यास हो, इस फेसबुक के इस दौर की, कोरोना काल से आगे भी, कि हमें एक चीज जरूर ध्यान में रखनी चाहिए ताकि हम उन चीज़ों को समझ सकें कि वो चीज़ जो जो लिखी जा रही है उनका ध्वन्यार्थ क्या है, उनका मंतव्य क्या है। जनवादी, प्रगतिशील होना, जिंदा होना, मुर्दा होना, कलावाद, संक्रमण, पूंजीवाद, सामंतवाद, मार्क्सवाद या जनवाद, जो भी चीज़ें, इन शब्दों के ध्वन्यार्थ क्या है ये होना जरूरी है। वो इसलिए कि इस कपट से निकल जाएं, क्योंकि हम प्रेमचंद की विरासत के लोग हैं, हम मुक्तिबोध धूमिल केदारनाथ जी की विरासत के लोग हैं, हमें
उस साहित्य की समझ होनी चाहिए जो साहित्य आम जनता की बात करता हो, वो आम जनता की प्यार की। और इसके अलावा आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार कि मौका भी दिया और मेरी कविताएं जो निकल गया हो बातचीत के दौरान की एक फॉलो में जो आपको असहज करता, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। हुसैन तबन सुन